सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया का M1 माइक। बहुत दिनों बाद हमने ये माइक खरीदा है और इसको हमने खरीदा है लॉकडाउन के अंदर ही अमेजोन से। अमेजोन डिलीवरी शुरू कर दिया है, अगर आपको मालूम नहीं तो आप नीचे दिए हुए हमारे वीडियो में देख सकते हैं। और माइक बहुत अच्छा है भाई, इसका अनबॉक्सिंग हम करते हैं, आप देखिए। और एक और बात, पहले एक और अगले दिन मैंने एक और वीडियो बनाया था लेकिन यूट्यूब ने वो वीडियो पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया है। मैंने वहाँ पे एक गिव अवे रखा था लेकिन शायद यूट्यूब को पसंद नहीं कि इतने छोटे यूट्यूबर अगर गिव अवे करके तो फ्रॉड हो सकता है, यूट्यूब को डर लग रहा था, इसलिए यूट्यूब ने हमारा वीडियो हटा दिया है। तो उसी वीडियो का हम एक और फ्रेश वर्जन निकालेंगे और उसमें दोस्तों माफ़ कीजिएगा, गिव अवे हम नहीं रख पाएंगे अभी, आप हमें सपोर्ट कीजिए तभी तो हम मतलब जो मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुँचेगा उसके बाद ही हम शायद जो गिव अवे है वो कर पाएंगे। तो सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए हमारा वीडियो अनबॉक्सिंग बोया का M1 माइक। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने बोया का M1 माइक का पैकेट। दोस्तों पैकेट को आप जब भी आपके हाथ में पकड़ेंगे ना तभी आपको लगेगा कि पैकेट का ही क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और इसको खोलने के बाद आपको अंदर से एक और पाउच मिलेगा जो आपका बोया के M1 माइक के साथ आता है। और आप इस माइक को इस्तेमाल करने के बाद इस पाउच के अंदर फिर से आप रख पाएंगे और इसको कैरी भी कर पाएंगे। इस पाउच का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, ये पता नहीं किस कपड़े से बना है लेकिन अच्छे क्वालिटी का पाउच इन्होंने प्रोवाइड किया है। और इसी के साथ आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, आपको ये खुद फिल करना है। और इसके साथ आपको मिल जाएगा बोया का यूज़र मैनुअल गाइड। अगर आप पहली बार इस माइक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा ये कि आप इस यूज़र मैनुअल गाइड को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप इस माइक को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। और अगला जो आइटम है हमको मिलता है बड़ा वाला ऑडियो जैक। और आखिर में हमारे पास जो आइटम मिलता है वो है बोया का M1 माइक। इस माइक का क्वालिटी मुझे दोस्तों पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसका जो वायर का क्वालिटी है, वायर का जो लेंथ है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो एकदम अच्छा क्वालिटी का बिल्ड क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड किया है। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, ये एकदम मतलब जिसको अगर कोई कॉलर माइक ख़रीदना है उनका अगर बजट है तो ज़रूर से आप इस माइक को परचेस कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले भी दो कॉलर माइक ख़रीद लिया है, मैं उसका अनबॉक्सिंग का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं या फिर आप हमारे YouTube चैनल में जाके भी इसको देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस माइक का बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर से वहाँ पे जाके इसको विजिट कीजिए, इसको ऐड टू कट करके रखिए और जब भी आपका दिल चाहे इसको ऑर्डर कर दीजिए। और हाँ, मैं तो आपको बताना भूल ही गया था कि इसके साथ आपको एक बैटरी भी मिलता है, छोटे साइज़ का बैटरी है। ये बैटरी तब काम आएगा जब आप इस माइक को अपने DSLR कैमरा में या फिर आपके डेस्कटॉप में इस्तेमाल करोगे तब ये बैटरी काम आएगा। अगर आप इस माइक को बस अपने फ़ोन में ही इस्तेमाल करते हैं तो आपको बैटरी डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना बैटरी के भी इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको एक स्विच मिलता है। इस स्विच को जब आप ऊपर की तरफ दे दोगे तब ये कैमरा मोड में चला जाएगा और तभी आपका बैटरी कंज्यूम करेगा। और नीचे जो ऑफ और स्मार्टफोन मोड है वहाँ पे अगर आप स्विच को दे लगाते हैं तब आपका जो स्मार्टफोन है इससे कनेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको बैटरी कंज्यूम नहीं होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बैटरी को कैसे लगाते हैं अपने इस बोया के M1 माइक में तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बोया का M1 माइक में एक आपको कंटेनर मिलता है, उसको ऊपर का ढक्कन को आपको खोलना है और उसको खोलने के बाद आपको एक बैटरी डालने का स्लॉट मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस बैटरी को
पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव लगा दीजिए और उसके बाद आपका माइक एकदम रेडी हो चुका है, अभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। इस माइक का एक और खास बात यह है कि इस माइक में आपको बहुत लंबा आपको वायर मिलता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दूर खड़े होकर वीडियो बनाना पड़ता है तब तो यह माइक काफ़ी के लिए है, क्योंकि इसका जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसका जो रैप किया हुआ है इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे वायर मिलता है। और इतना ज़्यादा वायर होने के बावजूद भी इसका जो क्वालिटी है ना वो एकदम बरकरार है। मैं आपको इसका एक टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, पहले मैं अपने फ़ोन से आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपना जो बोया का M1 माइक है उससे आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। आप दोनों में फ़र्क देखना कितना ज़्यादा आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वायर को खोलने के बाद इतना सारा वायर निकला है कि टेबल पूरा जाम हो चुका है और एक ही फ्रेम में मेरे लिए समझा पाना आपको कितना ज़्यादा वायर है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं इस वायर को एकदम लंबा करके बिछा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वायर को एकदम लंबा करने के बाद कितना ज़्यादा वायर निकला है। मेरे जिस रूम पे ये वीडियो बना रहा हो उस रूम का पूरा इधर से लेकर उधर तक एकदम वायर चला गया है। तो आपको अगर ज़्यादा वायर चाहिए तो आप ये माइक ले लीजिए, एकदम मतलब कुछ भी ना सोच के ये माइक आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको वायर इसमें मिलता है। तो दोस्तों चलिए एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं हमारे फ़ोन के माइक से और बोया के M1 माइक से। तो अभी आप जिस आवाज़ को सुन पा रहे हैं वो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है और अभी आप एकदम फ़ोन का रॉ रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। और अभी मैंने अपने फ़ोन के अंदर बोया का M1 माइक लगा लिया है और अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया के M1 माइक से आ रहा है। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कितना आपको क्लियर साउंड मिल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमने कैसे बोया के M1 माइक को अनबॉक्स किया और कैसे इसके बारे में आपको समझाया वो हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और ये भी बताइए आपको अगले वीडियो में क्या देखना है, किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने के दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त एक कॉलर माइक खरीदने की सोच रहा है तो हेल्प करें अपने दोस्त को कॉलर माइक खरीदने में। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।